चलो। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला एक तरीके से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और इसकी पौराणिक अपनी महत्व रहा है। और मेरे सामने जो ये तस्वीर देख रहे हैं बहुत मनमोहक तस्वीर है। और ये मेला का मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, पहला ऐसा फोटोज मैं आपको दे रहा हूँ जो किसी ने अभी तक नहीं दिया होगा। बहुत मनमोहक दृश्य है, पहले इसको आप देखें। आप जम्मू कश्मीर जाते होंगे दर्शन के लिए माँ वैष्णो देवी का। अब आपको जम्मू कश्मीर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वैष्णो माता जो है खुद चल के सोनपुर मेले में आ गई है। 32 दिवसीय इस मेला में माता वैष्णो देवी जो है खुद यहाँ विराजमान रहेगी। और बहुत ही कम लागत में, कम पैसे में कुछ टिकट दर होंगे जिसको भुगतान करने के बाद आप इसमें सफर मतलब इसमें आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं और माँ वैष्णो देवी का दर्शन कर सकते हैं। जरा आगे आइए और दिखाइए कि अभी तकरीबन जो है बहुत मध्य रात्रि हो रही है और ये परिवेश को आप देखकर बहुत खुश हो जाएंगे कि माँ वैष्णो देवी के जो गुफा है वो आप बहुत आसानी से जो है बहुत कम समय में जो है आप सोनपुर मेले में घूम सकते हैं और यहाँ दर्शन कर सकते हैं। जो आपकी मन्नतें हैं ना वो आप भगवान से यहाँ मांग सकते हैं, जो पूरा भी हो जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, दोनों तरफ से बाघ जो है वो आपका स्वागत करेगा और स्वागत जय माँ वैष्णो देवी दर्शन का ये आपको बोर्ड लगा हुआ है। और जैसे जैसे हम इसके अंदर बढ़ेंगे वैसे वैसे तमाम वो चीजें लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है गुफा निर्माण करता गणेश टेंटा, इनके द्वारा जो है इसको निर्माण किया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको हर जगह जगह पे जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखेगा। ये देखिए भगवान हनुमान जी है, बाण गंगा, ये देखिए बाण गंगा का यहाँ ये प्रतिमा लगाया गया है। अच्छा ये बताइए, गौतम जी हमारे साथ है, गौतम जी ये कौन से भगवान का ये है? ये माता वैष्णो देवी का है और ये बाण गंगा कहते हैं। कहते हैं कि जब भगवान महावीर को प्यास लगा था तो माँ ने अपने बाण से बाण मारा था और वहां जाकर गंगा जी निकली थी और अपना केश धोया था और साथ ही साथ भगवान महावीर का भी वहां पर प्यास को उन्होंने बुझाया था। बिल्कुल, तो यहां से शुरुआत आप कर सकते हैं। मतलब पूरे रहस्य को जो है एक एक कर यहां दर्शाया गया है। आप जरा आगे आगे चले चूंकि और जैसे जैसे इस रास्ते में आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, गुफा के अंदर जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे जो सजावट है बिल्कुल आकर्षक है, जिसको देखने के बाद मतलब इतना मनमोहक दृश्य इसका दिखेगा ना, जिसको कहने मतलब हम कह के इसको ये नहीं कर सकते, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे और मैं आपको दिखाते रहूंगा। देखिए डिजिटल लाइट जो है वो लगाया गया है और LED लाइट का प्रयोग किया गया है और जो तरह तरह के रंग बिरंगे लाइट्स है उसका प्रयोग किया गया है और बहुत ही आकर्षक जो है इसका दृश्य दिया गया है, बहुत मनमोहक है। चारों तरफ देखेंगे कि पहाड़ का जो है कि ये पूरा बनाया गया है, इसका जो बनावट है पूरे पहाड़ के जैसे हैं। और जब लास्ट में आप यहाँ आइएगा तो यहाँ आपको घोड़ा दिखेगा और माँ वैष्णो देवी का जो मुख्य जो द्वार होगा जो अंदर जाने का वो फिलहाल अभी बंद है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते चूंकि खुला हुआ है। ये खुला हुआ, इधर आइए ना भैया, वहाँ वहाँ पर चलते चले वहाँ। और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये देखिए दुर्गा माता का जो है वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं इसके लिए ही लोग जो है कि जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर। भैया कौन सी माता है ये? माता दुर्गा। दुर्गा है, अब जम्मू कश्मीर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है ना, मतलब सोनपुर मेले में। अच्छा ये बताइए इसको पूरा इसमें लागत कितना आया होगा? ये हम लोग को मालूम नहीं मालूम है। अच्छा ये एक सहयोगी के तौर पर मुझे काम करेंगे, आगे जो जो भी भगवान का दृश्य है उसको दिखाएंगे उनके बारे में बताएंगे। चलिए आगे की ओर मैं आपको वर्कर दिखाता हूँ। देखिए बहुत बारीकी से जो है इसको सजावट में दिया गया है। अच्छा ऊपर वाला कैसे ये रास्ता है? 3000 फुट बताए थे कि पैदल चलना पड़ेगा।
तो आप इस रास्ते में चलेंगे, अपनी मंजिल तक हमें पहुंचना है और रास्ते में फिर एक बार बजरंग जी जो है वो मिल गए हैं और ये बजरंग जी का आप दर्शन कीजिए। और मुझे लगता है कि अब इससे भी नीचे जो है बहुत, मतलब मुझे लगता है कि जैसे इन लोगों ने बताया कि 3000 स्क्वायर फीट जो है वो आपको पैदल चलना होगा। और कौन सी माता है? अर्धकुमारी। ये अर्धकुमारी है, इनकी भी तस्वीरें इसमें, अभी जो है कि मुझे लाइट इसमें नहीं दिया गया है, अभी लाइट के काम चल रहा है। अच्छा, लाइट के काम चल रही है। अब आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे, देखिए रंग बिरंगे लाइट, कहीं व्हाइट लगाए गए हैं तो कभी ग्रीन है, मतलब हर प्रकार की लाइट लगाए गए हैं जिससे इसका आकर्षण जो है वो बढ़े। इसमें मतलब जो भी लोग आए वो कम से कम ये देखने के बाद ये भूल जाएंगे कि भाई हमें जो है कि मतलब वैष्णो देवी के मंदिर के अंदर आए हैं, मतलब ऐसा परिदृश्य इसको बनाया गया है, ऐसा दिखाया गया है। और देखिए हम लोग काफी अंदर गुफा में आ चुके हैं और भैया जो है वो निर्देशित कर रहे हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं और आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत लंबा सफर करना है, 3000 स्क्वायर फीट अपने आप में बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि भगवान से दर्शन करने के लिए इतना कोई बड़ा चीज नहीं है। और यहाँ कौन सी माता है? माता वैष्णो देवी। ये वैष्णो देवी का मुख्य जो द्वार है वो आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं इतनी रात में सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि मतलब वैष्णो देवी का दर्शन आप कर लिए। अब यहाँ से जो पूरी तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैष्णो माता का जो पंडाल है, जो आलिशान पंडाल सोनपुर मेले में बना है। अब इसके लिए ही लोग जो है 3000 स्क्वायर फीट सफर कर रहे हैं। माँ वैष्णो देवी का मंदिर मैं यहाँ तक पहुँच पाया और आगे की तरफ भी हम चलेंगे। हाँ, और आगे की तरफ हम चलेंगे और आइए इधर दिखाइए कि अब अमरनाथ जी के गुफा में हम लोग आ चुके हैं और बहुत बहुत ही सुंदर नज़ारा दिया गया है, मतलब जितना कहें उतना कम है। ये भैरव बाबा, भैरव बाबा का तो आप सभी रहस्य जानते हैं, इनका कहानी मुझे लगता है कि रोमांचक बहुत है। और आगे की ओर बढ़ेंगे और भी कई सारे भगवान का प्रतिमा जो है वो बनाया गया है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। अब बहुत हम लोग बहुत आगे चल चुके हैं, कई हजार स्क्वायर फीट आगे चल चुके हैं और मुख्यतः जो जिसके लिए हम लोग जिस पल के लिए इंतजार कर रहे थे वो वहां तक पहुंच गए हैं। क्या भैया जी? कौन ये? बाबा अमरनाथ। बाबा अमरनाथ का दर्शन कर लीजिए और यहाँ से जो भी आपकी मन्नतें हैं वो मांग लीजिए, सारी मन्नतें पूरा होंगी। ये सोनपुर मेले के प्रांगण से अमरनाथ का दर्शन अपने आप में बहुत मायने रखेगा क्योंकि भगवान से मिले हम लोग जम्मू कश्मीर तक जाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा मौका मिला है जहां सांस्कृतिक चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए, अपनी विरासत को समझने के लिए हमें सोनपुर मेला जो है एक सुनहरा अवसर दिया है कि आप यहां आए और कुछ सीख कर जाएं और भगवान से भेंट करके जाएं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।